नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश शर्मा। एक बार फिर हाजिर हैं मुद्दे की बात में। कहते हैं जीवन जीना एक कला है, और किस कला से, किस ढंग से अपने जीवन को जिया जाए, ये इंसान के अपने ऊपर निर्भर करता है। बात भारतीय संगीत की करें तो आदिकाल से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति की जो छाप है, जो संस्कृति का जो आज तक का आवरण है, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। और ये हमारा बेस है, धरातल है। इससे जुड़े रहने पर हमें वो कामयाबी का पल और वो क्षण मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज भारतीय संगीत को लेकर के हम परिचर्चा करेंगे, और इस मुद्दे की बात में आज हमने आमंत्रित किए हैं संगीत घराने के वो मशहूर गुरु, जो न सिर्फ भारतीय संगीत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और जिन्होंने एक ऐसा आयाम स्थापित किया है और तमाम ऐसे शिष्य तैयार किए हैं जो भारतीय संगीत को लेकर के दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किए हैं पंडित केशव रघुनाथ तलिगांवकर जी, जो संगीत कला केंद्र से हैं। और संगीत कला केंद्र की मैं बता दूं 1950 में स्थापना की थी संगीताचार्य पंडित रघुनाथ तलिगांवकर जी ने, और संगीत सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 1965 में। तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम साहब सबको। बस संगीत की शुरुआत करना चाहेंगे तो हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय संगीत, जो शास्त्रीय संगीत है, आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई और किस ऐसे बिंदु रहे जहाँ से इसकी उत्पत्ति हम मान सकते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा। ऐसी बातों पर चर्चा आजकल नहीं के बराबर होती है, और डेन टीवी ने इस कार्य को बहुत अच्छे मंच से शुरू कर रहा है, इसलिए मैं संपूर्ण परिवार को धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक संगीत की बात है, संगीत का जन्म तो सृष्टि के जन्म से ही है, और हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा जागृत हुई, उस वैदिक परंपरा में हमारे यहाँ सबसे पहले संगीत की ध्वनियों से ही इसका प्रारंभ होता है। वैदिक परंपराएं हमारी 12वीं शताब्दी तक जो हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं उसमें मिलती हैं, क्योंकि चौथी और पाँचवीं शताब्दी में भरत के द्वारा बड़ा एक बहुत संगीत ग्रंथ लिखा गया, भरत का नाट्यशास्त्र। अगर भरत उसको अध्ययन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ललित कलाओं का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसको चौथी शताब्दी में भरत ने वर्णन नहीं कर दिया। अगर आज उस ग्रंथ को पढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति का आमूलचूल ज्ञान उस ग्रंथ में है, और उस ग्रंथ के माध्यम से आप समझ लीजिए कि चौथी पाँचवीं शताब्दी में भरत ने ये तक लिख दिया कि ऑडिटोरियम कैसा होना चाहिए, सेमी सर्कल का होना चाहिए, गोल सर्कल का होना चाहिए। भला आप सोचिए चौथी शताब्दी में, जहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो आप सोचिए कि जब उस समय किया जा सकता है, तो आजकल तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हम वैज्ञानिक रूप से सबल हो गए हैं। तो वो वैदिक संस्कृति जो हमारे यहाँ थी, पहली वैदिक संस्कृति में हमारा जो संगीत का ज्ञान था, उसमें 3 स्वरों के अंतर्गत हमारा संगीत था, और उन 3 स्वरों के बाद में फिर धीरे शनै शनै ये 5 स्वर और जुड़े, तो ऐसे 7 स्वरों की रचाएं बनने के बाद में हमारे संगीत का धीरे धीरे 7 स्वर हमारे यहाँ कायम हुए, जिसमें वेस्टर्न म्यूज़िक और भारतीय संगीत भी अलग अलग नहीं है। बस फर्क है कि जब वेस्टर्न म्यूज़िक की हम बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी जब स्केल बनाते हैं तो अगर इसकी स्केल उतर गया तो पूरे स्वर उतरते हैं, हमारे ऐसा नहीं होता। यही भारतीय संगीत की सबसे बड़ी विशेषता है। और जब 14वीं 15वीं शताब्दी में जब संगीत आया, तो ये हमारे यहाँ जो बाहर से संगीतकार आए, अलाउद्दीन खिलजी के समय से अमीर खुसरो जो संगीतज्ञ आए, उसने बहुत कुछ परिवर्तन किया। हमारी वैदिक परंपराओं को उसने ख्याल गायन शैली में बदला। हमजे साहब उस समय सदारंग अदारंग हुआ करते थे, उन्होंने इसको फिर ख्याल गायन शैली बदली, और आज वही गायन शैली धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही है। और उसका सबसे पुरानी जो परंपरा है, ग्वालियर की परंपरा है, उसके बाद आगरा की परंपरा, फिर उससे जुड़ी अत्रोली की परंपरा, यहाँ से फिर संगीत जयपुर में गया। ऐसे पूरे करीब 5-7 घराने अपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मिलते हैं, और इन घरानों की सबसे जो विशेषता ही, एक एक विशेषता को उनके उस्तादों ने उसको अपने अंदर लिया, और उसको जैसे स्वर लगाव की परंपरा है, लेकिन ग्वालियर की परंपरा के अंदर स्वर, लय और ताल और छंद, इसका विशेष महत्व दिया गया। इसलिए ग्वालियर की परंपरा को अष्ट पहलू संगीत कहा जाता है। अष्टयाम गायकी जो कहा गया और उसी गायिक गायन शैली को पुष्टि मार्गीय संगीत में हमको देखने को मिलता है। पहले की गायन शैली थी ध्रुपद धमार की, तो ध्रुपद धमार का आविष्कार ग्वालियर की गायन शैली से हुआ। उसके बाद ख्याल गायन शैली हुआ। तो ये एक जो परंपरा चली आ रही है, ये बहुत पुरानी, करीब 500-700 वर्ष पुरानी परंपरा हमारी चली आ रही है, जो इसको आजकल हम जी रहे हैं। ग्वालियर से तांसेन, हाँ, एक ऐसा नाम है, हाँ, जो संगीत की दुनिया में जी बड़े ऊंचे मतलब स्वर्णाक्षरों में लिया जाता है। उनकी शुरुआत स्वामी हरदास जी उनके गुरु रहे। तो एक बार वो ग्वालियर से गुजरे तो तब उनको एक जंगल से ऐसा लगा कि कोई यहाँ आवाज़ आ रही है शेर की। तो वो कुछ पल वहाँ पर रुके और उन्होंने देखा कि एक बच्चा था जो शेर की आवाज़ में घुर्रा रहा है। तो उनके माँ बाप से कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो, ये आगे चल के बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। तब उन्होंने उसको संगीत की शिक्षा दी और एक महान संगीतज्ञ बने। तो ये जो आगरा ग्वालियर की आपने बात की है, तो वाकई में वहाँ का तो जो बेसिकली मैं बताऊँ आपको, तानसेन तन्ना मिश्र था उसका नाम, और उसके पिताजी थे मकरंद पांडे, जो कि स्वभावतः ब्राह्मण परिवार का लड़का था। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पुरानी परंपराएं थी ना, कि उस समय किसी कुएं में हड्डी डाल दो तो वो अलग समाज हो गया, तो इसी प्रकार से मोहम्मद गौस करके थे उस समय ग्वालियर में, वो संत थे, मतलब मुस्लिम संत थे। उनके मुंह का जूठा खिला दिया तो उसको एक तरीके से उनको समाज के बाहर कर दिया। तो तानसेन एक नवरत्नों में से था, जो स्वामी हरदास जी के पास जिन सीखा, उसका रीवा नरेश के पास रहे। रीवा नरेश से फिर रीवा महाराज को जब अकबर था, अकबर के नवरत्नों में तानसेन को उन्होंने उपहार भी दिया। ये तो तानसेन रीवा के में रहते थे। तो ये ग्वालियर परंपरा वहाँ से चली आ रही है हमारे पास में। और ग्वालियर ने तानसेन ने बहुत सारे ध्रुपद का निर्माण किया, बहुत सारे रागों का निर्माण किया, जिसमें आप मियाँ शब्द लगता, हाँ, मियाँ मल्हार, मियाँ कांगड़ा, दरबारी कांगड़ा, ये तानसेन के द्वारा ईजाद किए गए। पहले क्या था, ये हमारे यहाँ एक जो परंपरा थी ना, राय साहब हमको तकल्लुस दिया जाता था, तो मियाँ भी तकल्लुस हुआ करता था, लेकिन हमने उसको एक गलत तरीके से करके कि मियाँ यानी मुसलमान होगा। अब हमारे यहाँ राव साहब दिया जाता है, राय साहब का टाइटल दिया जाता है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले, तो ये उनको एक सम्मान सूचक शब्द थे, लेकिन हमने उसको कालांतर में परिवर्तित कर दिया। तो आज इसलिए वो शैली थोड़ी सी परिवर्तित होने लगी वहाँ पर, लेकिन हमारी सारी शैलियाँ वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई है। वहाँ पर आर्षिक, गाथिक और सामिक, 3 स्वर की उत्पत्ति सबसे पहले सृष्टि में हुई। कोमल नी, सा और कोमल रे, जो हमारे पहले वैदिक मंत्र गाए जाते थे, वो इन 3 स्वरों में गाए जाते थे। और बाद में फिर उसी को परिष्कृत रूप हुआ उद्दात, अनुदात और स्वरित। इन तीनों स्वरों को मिलके आगे फिर ये 7 स्वरों की उत्पत्ति मिलती है हमको। ये हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, जिस तरह धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और शैली बदलती गई, जैसा आपने कहा, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 2 संगीत माने जाते हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। दोनों में क्या बेसिकली अंतर? ऐसा है, कर्नाटक संगीत जो है हमारा दक्षिण भारत में ज़्यादा चलता है, और वहाँ के संगीत की सबसे बड़ी, वैसे सबसे बड़ा विज्ञान वही है। हमारे यहाँ जो श्रुति की कल्पना की गई, वो वहीं पर कल्पना की गई। ठाट पद्धति की कल्पना साउथ में की गई। हमारे यहाँ पंडित भातखंडेजी ने इसको परिवर्तित किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मुझे उस परिवार से संबद्ध होने का श्रेय है जिसने भातखंडेजी की पुस्तक को मराठी से हिंदी अनुवाद किया, मेरे पूज्य पिताजी ने। आज जो संगीत साहित्य आप पढ़ रहे हैं, उसमें से 90% जो साहित्य मेरे पिताजी ने मराठी से हिंदी अनुवाद किया, क्योंकि उस समय भातखंडेजी ने मराठी साहित्य लिखा था, और उस मराठी साहित्य को हिंदी में लाने का श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। इसलिए हम कभी उनको बहुत याद करते हैं कि इतना बड़ा काम करके गए। आज हम उस काम को अगर उतना शामिल भी कर लें, उसको स्तर भी कर लें, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो भातखंडेजी ने बहुत बड़ा संगीत के लिए काम किया। भातखंडेजी और विष्णु दिगंबर जी, ये पैरेलल म्यूजिशियन जी। एक विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जिनके सुपुत्र थे DV पलुस्कर, जिनका गायन आपने बेजू बावरा पिक्चर में भी सुना होगा, और उनका पहला और आखिरी कार्यक्रम हिंदुस्तान के बाहर चाइना में हुआ था। उस स्थान पर मैं भारत सरकार की तरफ से भी 11 से 13 तक लगभग 2.5 वर्ष रहा मैं। तो शंघाई में उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस जगह मैं भी गाना गा कर आया। वहाँ पर भारतीय संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि है, तो वहाँ पर डी बी पलुस्कर को उनके नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे लौट के आने पर वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुए और फिर उनका निधन हुआ। उनके सुपुत्र के बारे में कोई नहीं जानता था। 2014 में उनके सुपुत्र को ढूंढ के लाया मैं। उनके परिवार में ये एक कहना चाहिए कि शाप था कि जब बच्चा 11 या 12 साल का होता था उनके पिताजी ख़त्म हो जाते थे। तो ये लगातार 3-4 पीढ़ियों तक चला। तो उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी में संगीत सिखाया ही नहीं उन्होंने। उनके सुपुत्र जब आए थे कहते साहब मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो कि मैं तो पैर छूने लायक भी नहीं आप लोगों का, मैंने कहा आप हमारे गुरु घराने के संगीतज्ञ हो। और इतना बड़ा व्यक्ति वो अपने एयरफोर्स के ज़रिए चाइना तक हिंदुस्तान का काम करके आए और हिंदुस्तान के जो व्यापारिक संबंध होते थे तो उन्होंने बड़ा काम किया इस बारे में। तो उन तक के लोगों को जानते ही नहीं है। उनको मैंने आगरा में लाके सब लोगों के सामने खड़ा किया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि डीवी पलुस्कर के बाद उनके सुपुत्र भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ये जो घरानों की परंपरा है लगातार कायम रही है, लेकिन जैसा आपने बताया कि वो परंपरा वहाँ से नदारद हुई। उन्होंने जो डेथ वाली जो उसकी वजह से अब जो परंपराएं हैं सारी, अब क्या है कि अच्छे जो वरिष्ठ संगीतज्ञ घराने के वो सब विदा होते जा रहे हैं और नए जो पीढ़ी वाले लोग हैं उसको ज़्यादा आत्मसात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आगरा घराना ही लीजिए, आगरा घराने के आखिरी परचम थे उस्ताद अकील साहब, और आगरा घराना जाना जाता है उस्ताद फियाज खान साहब के नाम से। फियाज खान साहब का 1955 में पहला और आखिरी प्रोग्राम कराने का श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, क्योंकि फियाज खान साहब बड़ौदा दरबार में थे, वहाँ पर गायकवाड़ साहब के यहाँ। वहाँ से वो मुहर्रम में यहाँ पर आते थे, तो एक महीने यहाँ रहते थे। तो गुणेश जी यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे, दोनों गुरु भाई थे। और उस समय एक भारतीय संगीतालय आज भी है, उनको एक कार्यक्रम होता था प्रतिवर्ष, फियाज खान सम्मेलन जो उनके नाम से करते हैं अब। तो वो हमारे पिताजी ने कहा कि हमारे पिताजी को नाना के नाम से जानते थे, तो उन्होंने कहा कि बादशाह अपन फियाज खान साहब से कहते हैं कि कार्यक्रम कर रहे हैं वो। तो उन्होंने कि इतने बड़े कलाकार हमारे संगीत विद्यालय में क्यों आएंगे? तो पिताजी ने कहा कि ऐसे चलो अपन रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं। तो गए तो साहब हमारे पिताजी के उनकी डायरी में लिखा है कि पहली बार खान साहब के बाद जब हम मिले तो इतने खुश हुए कि आगरा में आकर पहली बार किसी ने उनसे गाने के लिए कहा। तो 1955 में भारतीय संगीतालय में, ये मुरारी लाल बगल खत्री इंटर कॉलेज है, उसके ऊपर अभी भी स्कूल चलता है, तो उनके शिष्य लोग चलाते हैं। वहाँ पर 3 घंटे गाना हुआ उनका 1955 में। तो ये श्रेय भी हम समझते हैं कि उन समय के कलाकार रहे होंगे उनको जाता है कि फियाज खान साहब का गायन यहाँ पर हुआ। हमने कई बार प्रयास किया कि जहाँ फियाज खान साहब रहते थे उतनी गली का नाम कम से कम उनके नाम से हो, लेकिन हमारे यहाँ की प्रशासकीय व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ की प्रबंधकीय व्यवस्थाएं ऐसी हैं, क्योंकि कलाकार बहुत आगे पीछे ज़्यादा नहीं भाग सकता। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को जागृत होना चाहिए। हम चाइना में गए थे तो साहब आप समझिए कि कलाकार और साहित्यकार के नाम से उनके घर का नाम बना हुआ था, उनका पूरा ये रखा हुआ था क्या क्या यूज़ करते थे, उनका साहित्य क्या है। आज तो आगरा के साहित्यकारों को जानता ही नहीं है कोई, संगीतकारों को कोई जानता नहीं है। एक पहल हमारी सरोज गौरियारी जरूर कर रही है अपने ट्रस्ट के माध्यम से। वो हर पहले अभी साहित्यकारों का निकाला, संगीतकारों के ऊपर वो निकाल रही हैं। तो आगरा में जो तत्कालीन संगीत था उसमें आगरा घराने के लोग शामिल थे, लेकिन कालांतर में 60, 70 और 80 के दशक के बाद में आगरा घराने के सब लोग लगभग बाहर चले गए। अच्छा, एक चीज़ है जो घराने कहते जाते हैं कि एजुकेशन जो प्रोवाइड करते थे म्यूजिक की, लेकिन शिक्षा देने से तो शिक्षा का और प्रचार प्रसार होता है, लेकिन जो बंदिशें रहीं कि केवल घर के परिवार के सदस्य को ही आगे बढ़ाया जाएगा, ये कहाँ तक जायज़ मानते हैं? बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि घराने की इस परंपरा ने संगीत को सामान्य जन में नहीं आने दिया। इसी बात पर हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि भाई संगीत तो एक इनोवेटिव चीज़ है, सीखने का मौका सबको दिया जाए, सबको दिया जाना चाहिए। वो लोग उस्ताद लोग अपनी सेवा कराते थे और घर सिखाते अपने घर के बच्चों को थे। उनसे जो कुछ सुनते सुनते दूसरे को आ गया वो उसे सीख लिया, नहीं तो बस ठीक है उस्ताद जितना सीख पाए सीख पाए। आज भी आगरा में आगरा घराने की बंदिश गाने वाले नहीं मिलेंगे आपको, आप ढूंढ लीजिए। लेकिन एक चीज और मायने रखती है कि उस वक्त का दौर था जब लोग सीखना चाहते थे और उनके यहाँ सेवा करते थे। लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि लोग सिखाना चाहते हैं लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते। ये बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय के लोगों में एक डेडिकेशन था, आज भी डेडिकेशन है, लेकिन आज वो बच्चा अगर सही जगह पहुंच गया तो आप समझ लीजिए कि वो कुछ जगह प्राप्त कर सकता है। आजकल के संगीतज्ञों की मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जितने संगीतज्ञ हैं, एक जो साधना का एक परचम होना चाहिए ना, उस परचम तक नहीं पहुंचे हुए हैं। इसलिए उनके इसमें स्वयं में कमी होने की वजह से वो चीज़ सामने नहीं आ पा रही है, जबकि सिखाना चाहिए। कॉलेज लेवल पे एमए स्तर तक म्यूजिक संगीत विषय है, लेकिन एक भी बच्चा निकल के नहीं आ रहा है। अब तो हालत इतनी ख़राब है साहब, क्योंकि मैं स्वयं मेरे पिताजी को ये श्रेय कि उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय में संगीत शुरू किया 1955 में। 1983 में एमए मैंने शुरू किया। उस समय बच्चे सीखते थे, 8 बच्चों की स्थिति 2-2, 3-3 बच्चों की स्थितियां हैं। क्या तो आप सिखाएंगे, क्या बच्चा सीखने के आएगा? बस एक पर्चा लेने के लिए बच्चा आ रहा है, उससे क्या गुणवत्ता आएगी? ये तो निरंतर साधना की चीज़ है। हम लोगों ने कितनी साधना करी है, गुरुओं की सेवा करी है, तो ये आजकल उस तरीके से कोई सीखता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे यहाँ जो अब बच्चे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनमें से कुछ बच्चे निकलेंगे। तो बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि अब ज़ीरो हो रहा है, लेकिन ज़ीरो से प्लस की ओर फिर बढ़ रहा है, क्योंकि साइकिल के चक्कर कल्चर का ये पहिया घूमेगा तो दोबारा से फिर आएगा। तो अब लोगों में पुनः शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि जागृत हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का एक जो क्रम है, हम महीने के महीने एक नाच साधना हमने संगीत सभा चला के रखी है। हिंदुस्तान में प्रातःकालीन रागों के लिए एक ही सभा है जो निरंतर चल रही है। कैजुअली तो सब जगह हमेशा होती रहती है। और 53 वर्षों से यहाँ पंडित विष्णु दिगंबर जी पलुस्कर जी के स्मृति में हमने संगीत सम्मेलन शुरू किया था, जो मेरे पिताजी ने शुरू किया। आज 53 वर्ष हो गए, लगातार निरंतर बिना किसी सरकारी सहायता के आगरा के संगीत रसिकों, आगरा के संगीत जो प्रेमी हैं, साथ में हमारे पिताजी से जुड़े हुए हमारे शिष्यवर्ग उस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। और आप भी उसमें गाय बगाए सम्मिलित होते हैं, तो एक आगरे की वो एक अच्छी खासी पहचान बना हुआ है। ये हम समझते कि अच्छे लक्षण है आगे। बिल्कुल सही है, जो परंपरा उन्होंने शुरू की थी वो आज भी कायम है। तो संगीत तो एक साधना है, और जब तक हम इसको आत्मा से आत्मसात नहीं करेंगे तो हमें वो शिक्षा वो नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं अर्जित होगा। तो आप इस दिशा में लगातार शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसको और अभी कितना और ज़्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता, क्योंकि वर्तमान समय जो माहौल है वो माइंड ऐसा मेकअप हो गया है आज की यूथ का, वो कुछ दिशाहीन सा हो गया। आप मैं समझता हूँ जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने, भातखंडेजी जी ने आज से जो 50 साल पहले काम किया था, अब दोबारा से उस काम को रिन्यू करने की जरूरत है। मेरे पिताजी बताया करते थे, जब पलुस्कर जी कार्यक्रम देने जाते थे तो अपने शिष्यों का, आपको शायद मालूम हो, वंदे मातरम की धुन भी उनकी बनाई हुई है। जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे तो अपने शिष्यों के माध्यम से, तो स्वयं आप देखिए डेडिकेशन उस कलाकार का। 8-10 लोग इधर उधर आपने बैठा दिए कि साहब इस बच्चे ने बहुत अच्छा गाना गाया, एक मेडल हमारी तरफ से लो, तो 5 मेडल वो खुद देते थे तो 15 मेडल खुद आते थे। तो ये एक जो संगीत प्रचार का एक जो उनका वास्तविक स्वरूप था, उन लोगों ने शुरू किया, तो आज दोबारा से शुरू करने की वो ज़रूरत है। बस फर्क ये कि हमारा जो एक आवरण चेंज हो गया है, उस आवरण के अनुसार हम लोग प्रयास करते हैं या उस म्यूज़िक को। और अब दूसरी बात भाई साहब क्या है कि व्यवसाय इतना आ गया है, प्रोफेशनलिज्म, बड़े बड़े कलाकार लाखों रुपए की बात करते हैं। भाई संगीत जो सुनना चाहता है वो तो सुनने आ ही नहीं पाता है, क्योंकि 500-1000 रुपए की टिकटें लगा दी, वो कैसे चाहेगा सुनने के लिए? या आपने 3 लाख और 5 लाख की डिमांड कर दी, सामान्य व्यक्ति तो बुला ही नहीं सकता आपको। तो ये भी जो व्यवसायीकरण जो हुआ है, उससे संगीत के क्षेत्र में थोड़ा सा मतलब गिरावट आई है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं हमारे जो कलाकार आते हैं बड़े समर्पित भाव से आते हैं, निष्ठा के साथ में आते हैं कि भाई ये संस्था, ये परिवार संगीत के लिए काम कर रहा है, तो हमें जाना चाहिए इसमें। और उसी भाव से वो यहाँ और कंपटीशन, भाई साहब ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, हम तो ताज्जुब कर जाते हैं। अभी हमने जो नाच साधना का 25वां वार्षिक समारोह किया, 2 बच्चे मुश्किल से 6-7 साल के थे, जयपुर से आए थे, ऐसी तबलीग बढ़िया जुगलबंदी उन्होंने बजाई। हमारे के छोटे छोटे बच्चों ने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया वहाँ पर, ये लोगों का तबीयत प्रसन्न हुई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसे एक सकारात्मक हमें पहलू दिखाई देता है कि संगीत कोई मरने वाली चीज़ नहीं है, ये जिंदा हमेशा रहेगी, परिवर्तित उसके रूप कोई भी कोई चेंज होते रहे। बस हमारा तो ये कि हमारे बच्चों में अच्छा संदेश जाए कि हमारे कल्चर के प्रति, संस्कृति के प्रति वो जागृत हो, और उस जागृत करने का काम मीडिया का काम है, और आप इसके लिए बड़ा सक्रिय प्रयास कर रहे हैं, आपको हम पुनः बने हम धन्यवाद जरूर देना चाहिए। जैसा आपने कहा, बेशक जो एक आवरण चढ़ गया है, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो बंदिश है, जो हमारे संस्कार हैं, वो शास्त्रीय संगीत में झलकते हैं। बिल्कुल। उससे हमारे समाज का एक ऐसा संगठित ढांचा तैयार होता है जो निश्चित रूप से गुरु शिष्य परंपरा और देश को उस विश्व गुरु की दिशा की ओर ले जाता है। तो हमें, यूथ को भी और सबको इस दिशा में ये जानना जागना जरूरी है कि हमें ऐसी शिक्षा को, ऐसे संगीत को आत्मसात करें जो हमारी धरोहर है। बिल्कुल, ये इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम तो जो प्रयास कर रहे हैं, अगर शासकीय स्तर से भी प्रयास हो, जैसे हमारे पहले हाई स्कूल इंटर में म्यूजिक होता था, छठी से आठवीं तक में, अभी जैसे आपसे बात कर रहा था मैं, हस्तशिल्प का अलग होता था, कला अलग होती थी, संगीत में से 3 में से कोई विषय छांटना पड़ता था। तो 6 से 8 तक वो बच्चा सीखता था, और 9वीं क्लास में जाकर फिर वो विषय चयन करता था। तो बच्चे उस समय अच्छे सीख के तैयार हुए, वही बच्चे आज काम कर रहे हैं। हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में जाके 3 वर्ष का कोर्स हुआ, और आप सोचो 2, 2, 4, 3, 7 साल में, तो 9 साल में बड़ा अच्छा बच्चा तैयार हो। लेकिन आज वो ट्रेंड ही खत्म हो गया, नीचे से वो परीक्षाएं हाई स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं के बराबर उन्होंने कर दिया, तो कैसे काम चलेगा इसमें। मतलब मैं समझता हूँ कि शासकीय स्तर पर अच्छे प्रयास हो तो हमारा ये संगीत दोबारा से जागृत होगा, हम ऐसा समझते हैं, और हम तो अपनी तरफ से प्रयास जारी किए ही हुए हैं। जी बिल्कुल, जरूरी है, इसमें सरकार को भी अपनी भूमिका तय करनी होगी, और समाज को भी भूमिका निभा करनी पड़ेगी। हम जो ये कार्यक्रम करते हैं, अभी आपसे बात कर रहा था, अरे साहब ये भी शास्त्रीय संगीत का क्या कार्यक्रम है, कोई केशव जी रहा तड़कता भड़कता प्रोग्राम करिए। अरे भाई, तड़कता भड़कता क्या मतलब है, मतलब हमारे इन कलाकारों को, इन साधना को कौन देखेगा। बिल्कुल सही बात। आज पंडित बिरजू महाराज जी हैं, नामचीन कलाकार हैं, उनके सिखाए हुए शिष्य, उन्हें कौन सुनेगा भैया, कौन देखेगा उनको। आज बड़े बड़े कलाकारों के शिष्य अच्छा गा बजा रहे हैं, जब मंच में नहीं मिलेगा तो उनको क्यों गाना बजाना करेंगे, हमारे बच्चे क्यों सीखेंगे वो, अगर उनको बराबर मंच देंगे तो। इसलिए मैं इस मंच से आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आप अपने इस टीवी के माध्यम से हमारे कुछ संगीत के अच्छे कार्यक्रम शुरू कर सकें, तो मेरा जो कोई भी सहयोग होगा, हमारे परिवार का सहयोग होगा, हमेशा आपके साथ में बना रहेगा। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि एक फिल्मी कलाकार बेशक लाखों रुपए में अगर आता हो, हाँ। लेकिन बैजू बावरा की जो संगीत साधना है उसका कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, और उसको कोई खरीद नहीं सकता। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम आगे किस तरह से और ज्यादा होने चाहिए। जो संगीत, एक वक्त था जब बहुत सारे समारोह होते थे संगीत के, बिल्कुल, बिल्कुल। उनमें गिरावट दर्ज की गई है, बिल्कुल, और ये सामाजिक दायरा भी इसका जिम्मेदार है। हाँ। लोग नहीं आगे बढ़ के आते हैं कि ऐसे सम्मेलन ज्यादा से ज्यादा हो, मदद नहीं करते। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों से हम केवल ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो सांगीतिक संस्कृति एक बहुत बड़ी संस्कृति है, और मैं तो भाई साहब प्रतिवर्ष नए नए लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलता है कि सब अमुक कलाकार को बुलाइए, अमुक कलाकार को बुलाइए। भाई वो 50,000 और 1 लाख रुपए देके हम बुलाएंगे तो हमारे नए कलाकार जो संगीत साधना कर रहे हैं उनको मंच कैसे मिलेगा। तो हमसे कहते भाई आप इनको सुनो तो सही कम से कम, और जब सुन के जाते हैं अरे भाई बड़े अच्छे कलाकार बुलाए आपने, क्यों हम तो सुनने को तैयार नहीं है। हमारा एक माइंड सेटअप है कि साहब पंडित राजेंद्र साइन मिश्रा बहुत अच्छे गायक हैं, पंडित जसराज जी बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन और दूसरे नीचे जसराज तैयार हो रहे हैं, उन्हें कौन सुनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमें तो उनके मंच तैयार करना है, उनको तो सब सुनने के लिए बुलाते हैं, अमजद अली साहब को सब सुनने के लिए बुलाएंगे, ये छोटे अमजद अली तैयार हो रहे हैं, उनको कौन सुनेगा। सही बात है, जब नई प्रतिभाओं को मंच नहीं दिया जाएगा तो क्यों सीखेंगे, बड़ी प्रतिभाएं निकल के कैसे आएंगी, छोटे ये भी छोटे से बड़े बने होंगे कभी। तो ये जो तरीका है, इसलिए हमेशा कहता हूँ इन बच्चों को प्रोत्साहन करिए आप, इन बच्चों के अंदर वो प्रतिभाएं हैं तो उसको जागृत करने की ज़रूरत है। अगर वो जागृत होगी तो हमारी संस्कृति जिंदा होगी, नहीं तो फिर ये लोग भी दूसरी तरफ चले जाएंगे बेचारे, उनकी क्या गलती होगी, हम उनके सामने वो चीज़ ला ही नहीं रहे। तो बराबर अगर हम अच्छी चीज़ परोसेंगे, अच्छा खाना देंगे तो अच्छे संस्कार पड़ेंगे, अच्छी चीज़ें बातें बताएंगे तो अच्छे उनके जहन में चीज़ जाएगी। तो यही हमारा एक प्रयास है कि अपने शहर में, अपने देश में, प्रदेश में शास्त्रीय संगीत जिंदा हो। शास्त्र क्या है? शास्त्र के अनुसार जो संगीत बना हुआ है वो शास्त्र के अंदर बांधा गया। संगीत तो संगीत ही है। मेरे पिताजी कहते थे शास्त्रीय संगीत कुछ नहीं है, केवल संगीत है। उन्होंने कभी शास्त्र का नाम दिया ही नहीं। संगीत यानी संगीत, चाहे वो फिल्मी संगीत क्या बुरा थोड़ी है, लेकिन फिल्मी संगीत का स्वरूप बदल दिया आपने। हाँ। वो तो थोड़ा शास्त्र से अलग हो गया। उसमें कितने लोगों ने अच्छे अच्छे संगीतज्ञों ने, नौशाद जी हुए, SD बर्मन हुए, RD बर्मन ने कितने अच्छे अच्छे गीत दिए। मदन मोहन जी, एक से गजलें दी उन्होंने। सब शास्त्रीय संगीत में तो ही है। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत में गरिमा है, गरिमा। और वैसे आपको भाई साहब बताऊं, कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो शास्त्रीय संगीत के रागों से अलग हो, अलग हो। बिल्कुल है ना, आप कोई भी गाना कहीं तो सब में कहीं ना कहीं राग तो आ ही जाएगा। वो बिल्कुल सही, बस प्रस्तुतिकरण कैसी होती है, बस वो इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर उसका एक सही प्रस्तुतिकरण हो गया तो हमारे बच्चों को एक अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छा वो करने लग जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैंने थोड़ा सा समाज में देखा है कि जितने संगीताचार्य हैं और जो संगीत सिखाने वाले हैं, उनका मत भिन्न भिन्न नजर आता है। एक मत हो तो हम ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर उसको प्रसारित कर सकते हैं और नए कलाकार तैयार कर सकते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी की बात, मैं आपको पुरानी बात बताना चाहूँगा। आजकल लोग स्वयंभू कलाकार हो रहे हैं, शोकेस वाला मामला, शोकेस वाला मामला। पहले के कलाकार क्या होते थे भाई साहब, प्रतिदिन, और प्रतिदिन नहीं तो कम से हफ्ते में एक बार सब लोग मिलते थे, वो चर्चा करते थे। उस चर्चा करने में एक दूसरे से सीखने को मिलता था। भाई सब चीज़ को मैं सिखा लूँगा वो भी ज़रूरत नहीं थी। अगर 10 म्यूजिशियन हैं, 10 संगीतकार हैं, 10 नृत्यकार हैं, तो अलग अलग सब सिखाने जाते थे, सबका काम चलता था। आज है कि वो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। जब मिलना नहीं चाहेंगे तो अब आपकी चीज़ आपके पास है, मेरी चीज़ मेरे पास है। जब इंटरेक्शन नहीं हुआ उसका, तो चीज़ कैसे बढ़ेगी? तो मैं प्रयास करता हूँ कि भैया एक मंच पे आओ, चर्चा करो। कम से कम हो सकता है आपकी चर्चा से हमें कुछ सीखने को मिले, हमारी चर्चा से आपको सीखने को मिले। ये बहुत आवश्यक है। एक रूपता जब तक नहीं होगी तब तक उसको हम कैसे बताएंगे? राग कल्याण है, आप कोई दूसरा कैसे गा रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर तो एक ही है ना। उस स्ट्रक्चर की बात करो केवल, बाकी तो सारी हम मकान बनाते हैं तो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग कोई भी करते रहे, उसका जो मूल एलिमेंट तो एक ही है। ईंट से बनेगा, सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा, पूरे उसके एलिमेंट तो वही लगेंगे, डिजाइनिंग कोई भी करते रहिए। उसका बढ़िया सा उदाहरण ये है कि अकबर ने अपने 9 रत्न रखे। हाँ। क्यों रखे? सबको एक जगह समाहित क्यों किया? ये सबसे बड़े सीख लेने वाली बात है। बहुत, और क्या? तो यही साहित्य संगीत, वो कहा गया ना साहब, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जिस व्यक्ति में साहित्य और संगीत की समझ नहीं है, वो ठीक है ऐसे समझ लो, बिल्कुल जिसके अंदर पूछ है लेकिन अधकटी पूछ है। तो ऐसे अभी हमारे समाज की स्थिति अधकचरी हो रही है। पहले के लोगों ने संभाल कर रखी, अब और ज़्यादा संवर्धन की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि वो संवर्धन कुछ अच्छे लोगों से और मीडिया के माध्यम से बच्चों के बीच में जाए। हम तो नई पीढ़ी तैयार करते हैं सर। कुछ लोगों का, जैसे मैंने बात कर रहा था, ऐसा अमुक व्यक्ति आ गया तो हम सुनने के लिए जाएंगे। हमने तो अपनी पूरी लाइनअप तैयार करी, हमने बच्चों को तैयार किया था, बच्चे उनके गार्जियन को। हमें श्रोताओं की जरूरत नहीं, हमारे बच्चे 150 बच्चे बैठे हुए हैं, सब बैठ के सुन रहे हैं, उनको सीखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है। तो हमने वो लाइनअप तैयार शुरुआत कर दी कि बच्चे सुनेंगे, अच्छे कलाकार आएंगे तो सामने बैठ के सुनेंगे। आज को वो सुनने की शक्ति कम हो गई ना, तो कार्यक्रम में आए, आपने नमस्कार किए। अच्छा, लोकल कलाकार आप जैसे बात कर रहे हैं ना, कार्यक्रम में आएंगे तो सही, नमस्कार के लिए पीछे जाके और बात करेंगे। कौन सिखाएगा? ये तो सीखने वाली चीज़ है भाई। ये कम से कम एक कलाकार प्रदर्शन कर रहा है, हम शांति पर हम ही नहीं सुनेंगे तो और लोग कैसे सुनेंगे? तो ये एक रसिकों को भी एक सिखाने की बहुत ज़रूरत हो गई आजकल। तो हमने वो मुहिम शुरू करके रखी है और उसमें बड़े सक्सेस हैं, और करीब 100-200 की ऑडियंस हमने तैयार कर ली है, जो कभी भी कार्यक्रम करे तो उन्हें बुलाते हैं। उनमें से कुछ ही तो 100-150 लोग तो आ ही जाते हैं। तो ऐसी ऑडियंस तैयार होने लगी है, तो ये हमारे लिए एक सुखद। नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे नए कलाकार तैयार किए जाएं, नए संगीतज्ञ तैयार किए जाएं, साथ में दर्शक और श्रोता भी होने चाहिए, तभी तो उसका सही सशक्त माध्यम बनेगा प्रचार प्रसार का। ये बहुत ज़रूरी है। ये आगरा की तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है साहब, मतलब तसद्दुस हुसैन खान साहब जो आगरा घराने के खास रहे, और उनके बाद फियाज खान साहब उन अपने दरबारी गायक रहे, गायकवाड़ साहब के। उसके बाद लेकिन आगरा में जितना संगीत प्रचार हुआ सब ग्वालियर के लोगों ने किया। एक थीसिस मेरी बड़ी बेटी ने करी, आगरा में ग्वालियर घराने के संगीत का। आप कभी अब मेरे घर पर आएंगे तो जो थीसिस को दिखाऊंगा, उसमें चूँकि जिन कला आगरा में बहुत महाराष्ट्रियंस थे, 1946 के बाद में काफ़ी महाराष्ट्रियन आए। और आपको बताना चाहूँगा आगरे का पहला ऐसा बड़ा सम्मेलन हुआ करता था राजनाथ कुंजरू जी और हेरनाथ कुंजरू, जो घटिया में रहते थे। ये कश्मीरी परिवार था जो विक्टोरिया इंटर कॉलेज चलाते थे और आगरा कॉलेज के ट्रस्टी थे। और राजनाथ कुंजरू जी बहुत, मैंने देखा है उनको, बहुत स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे। तो बहुत बड़े बड़े कलाकार जो गंगाधर शास्त्री हुए हैं, वहाँ सबसे पहले वहाँ शुरुआत हुई संगीत सम्मेलन की। तो आगरा का संगीत सम्मेलन बहुत बड़े रूप में जाना जाता था। फिर धीरे धीरे कालांतर में वो 45 तक समाप्त हो गया। उसके बाद फिर हमारे फादर ने 65 में आके इसको शुरुआत किया। उसके पहले यहाँ GL गुणे जी थे, उन्होंने शुरू किया पहले। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ अगर आप कभी मौका लगे तो यहाँ सतीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं जी हवारे में, उनको आप ज़रूर कलेक्ट कीजिए क्योंकि आगरा के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी साहित्यिक सांस्कृतिक उनके पास मिलेगी। एक साहित्यिक जानकारी हुजूरी भवन से जो शुरुआत हुई है, हाँ हुजूरी भवन दादाजी महाराज के यहाँ से, उनकी जो बड़ी बहन थी शिरोमणि, वहाँ से हमारे फादर की शुरुआत है। उन्होंने वहाँ से संगीत सिखाना शुरू किया। दादाजी बाहर खड़े होकर मतलब हमारे पिताजी के मित्रों में से रहे, वो बाहर खड़े होकर आज भी हमारे ऊपर उनका बहुत वरद हंसते। उन्होंने पहला काव्य लिखा था साहित्य का ऋषिकेश चतुर्वेदी जी। अगर आपको मौका मिले भाई साहब, उनको जरूर कवर करके आइए और उनसे बातचीत करके आइए। उन्होंने पहला लोम विलोम काव्य साहित्य का लिखा हुआ है। एक तरफ से पढ़ेंगे तो राम का काव्य, उधर उल्टी पढ़ेंगे तो कृष्ण का काव्य, राम कृष्णान काव्य। और उसी को हमने बेस बनाकर हमने अपने संगीत में काम किया। हमने लोम विलोम शब्दों पर बहुत कुछ काम किया। हिंदी मतलब संगीत के शास्त्रीय पक्ष पर भी मैंने बहुत सारा काम किया। बहुत सारी जो अवधारणाएँ पुराने लोग देकर गए थे, उन अवधारणाओं को एक वैज्ञानिक चिंतन दिया। आज वो पूरे भारत में उस चीज़ को मानते हैं लोग कि भाई इस चिंतन को समाहित कीजिए। अच्छा, जिस तरह से आपको अपने पिताजी से का सानिध्य मिला, तो अब परिवार का कैसा सानिध्य, कैसे लोग आपका साथ दे रहे हैं और परिवार में भी कैसे लोग हैं जो संगीत की शिक्षा कर रहे हैं? मेरे परिवार ही है जिसकी वजह से हम आज इतने लेवल तक आगे बढ़े। मेरे 4 भाई, मुझसे छोटा भाई है लोकेंद्र, मुझसे छोटी बहन है, वो सितार के कलाकार है, मंगला तलिगांवकर, वो कासगंज डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। उससे छोटा भाई तबला बजाता है, डॉक्टर लोकेंद्र तलिगांवकर। नंबर 3 का भाई रविंद्र तलिगांवकर है, वो हारमोनियम का टॉप आर्टिस्ट है ना। और सबसे छोटा है गिरिंद्र तलिगांवकर, वो जयपुर में, जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय में है। साथ में मेरी पत्नी विशेष रूप से गायन के साथ में लेखन में भी उनका महारत हासिल है। साथ में बहुत अच्छी धुन कंपोज करना। और उसके बाद तीसरी पीढ़ी में मेरी दोनों बेटियां जो हैं, बड़ी बेटी मेघा और छोटी बेटी शुभ्रा, हमसे आप समझिए कम से कम कई गुना आगे हैं उनकी सोच, क्योंकि अब नई परीक्षा सोच है, नया जनरेशन है। उन्होंने क्लासिकल और नए संगीत को बहुत अच्छा मिलाया। कोऑर्डिनेशन हमने 2005 में कार्यक्रम किया था यहाँ पर शाम सुहानी के नाम से। उसके बाद लोगों ने, आजकल जो सेट बन के आप देख रहे हैं ना जी, उसके बाद से सेट बन के प्रोग्राम होना शुरू हुए। तो 2005 में मैं, अगर आपको एक CD मिल गई तो आपको देखने के लिए दूंगा। उसमें आप समझिए 3 घंटे का प्रोग्राम था केवल सिंगिंग का, और सारे गीत मेरी पत्नी ने लिखे थे। और ऐसे लिखे थे आपने सुना कि सारे पिक्चर के सॉन्ग सुन रहे हैं, और सारे क्लासिकल सॉन्ग थे। और उसके अंदर हमने एक मैसेज ऑफ लाइफ के नाम से एक सिम्फनी तैयार की थी। सामान्यतः सिम्फनी का अर्थ लोग समझते हैं कि हमने इंस्ट्रूमेंट पे बजा दिया जी। हमने क्लासिकल रागास को उसके अंदर मेंशन किया, साथ में गाना और इंस्ट्रूमेंटल, ऐसा नया करके उसमें एक नई चीज़ भरी हमने। तो वो इतनी चीज़ उसमें, राज बब्बर आए हुए थे। और 3 घंटे के प्रोग्राम में शर्मा जी लोग पानी पीने के लिए नहीं उठे थे। 8 जून का कार्यक्रम था, मुझे अच्छी तरह याद है। और ऐसा कार्यक्रम भूतों ने भविष्य थी, सूरसदन में भी नहीं हुआ। राज बब्बर ने अपने इसमें कहा कि आज मैं अरसे के बाद में सूरजन में लोग खड़े हुए देख रहा हूँ। तो ये संगीत की जो एक तासीर जिसे कहते हैं, वो तासीर अभी भी है, प्रस्तुति करनी आनी चाहिए हमको। बिल्कुल, जिस तरह का आपने संगीत पर काम किया है तो हम तो ये भी मान सकते हैं कि जो घराने की परंपरा थी उससे आपने अलग हटके एक नया घराना तैयार शुरू कर दिया है। और ये शुरुआत तो बहुत पहले से होनी चाहिए थी, बिल्कुल जो है इसमें बहुत देर हो गई। हाँ, वो अब ऐसा है कि जैसे जैसे पीढ़ी आएगी, क्योंकि हमारे जैसा माना गया कि तीसरी पीढ़ी में अगर संगीत आ गया तो वो एक उस परंपरा वो तैयार हो जाती है जी, है ना। तो मेरी परंपरा तैयार हो रही है, मुझे इस बात की खुशी है। और मेरे पूरे परिवार वाले, देखिए चूँकि परिवार है इसलिए ये काम इतना बड़ा हो जाता है। ये तो आजकल शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को आयोजित करना बिल्कुल लोहे के चले जाता है। आप इस तरीके के डांस कंपटीशन तो आप कर लेंगे, बड़े बड़े पैसे। आज ही मुझे कुछ पता पड़ रहा था कि एंट्री फीस के नाम पे कुछ लेते हैं, आयोजन के नाम पे कुछ पैसे लेते हैं। तो भाई अब ठीक है, कैसे क्या कह सकते हैं हम लोग। तो अपने स्वाध्याय से एक अच्छे कल्चर को जिंदा रखने के लिए काम रखें। और हमारे पिताजी कहते थे कि अपने काम में लगे रहो, कभी ना कभी लहर आएगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। हम तो इसमें खुश हैं कि कम से कम कुछ जगह तो हम देखे जा ही रहे हैं। बिल्कुल सही है, कर्मण्य बाधकारा से माँ फले सु कदाचन। तो जिस तरह का वर्तमान का माहौल है और सरकार से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि किस तरह के कार्यक्रम और किए जाएं, किस तरह स्कूलों में शिक्षा प्रोवाइड की जाए, एक कंपलसरी क्लास की जाए म्यूजिक की। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिन्हें लेकर के सरकार के सामने। अब जैसे योग को तो उन्होंने किया, अगर योग के साथ संगीत, संगीत सबसे बड़ा योग है। बिल्कुल, संगीत साधना। हम तो हमारे बच्चे आते हैं तो ओंकार कराते हैं, 5-5 मिनट खींचो, 3 मिनट प्राणायाम। क्या है, यही तो प्राणायाम है ना। बिल्कुल, आप श्वास को रोक रहे हैं, वो हमारे संगीत के ध्वनि में किया जाता है। बिल्कुल, इस नाद योग का प्रचार हमने चाइना में किया था। वहाँ लोग आखिर 15-15 मिनट बैठ के ओमकार लगा रहे हैं, और हमारे यहाँ बैठ कर तैयार नहीं लगाने के लिए। उनको वो चीज़ महसूस हो रही है। मैं अपने यहाँ जब यहाँ था एम्बेसी में कल्चर सेंटर शुरू किया, तो वहाँ 500 बच्चे शिष्य हैं हमारे वहाँ पर, जो हर 2-3 महीने बाद दो चार आते ही रहते हैं। अभी भी आते हैं, कभी आएंगे तो हम आपसे मुलाकात कराएंगे। तो उनको ऐसी जब हमारे संगीत की वहाँ एफिशिएंसी है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं सीखने को तैयार है। वही है कि प्रस्तुति नहीं है और उनके सामने वो चीज़ जा नहीं रही है। पब्लिक स्कूलों में वो चीज़ सिखाई नहीं जा रही है, गवर्नमेंट के स्कूलों में वो चीज़ हो नहीं रही है। तो वो संस्कार कहाँ से पड़े। बिल्कुल, दोनों तरफ का माहौल ऐसा है कि ना तो समाज में उस तरह का प्रचार प्रसार है, ना सरकार की तरफ से पहले। जबकि हमारा जो वैदिक पद्धति है, हाँ, या हमारी संगीत की पद्धति है, विधाएं हैं, हाँ, उनको लेके तो विदेश वेस्टर्न लोग रिसर्च कर रहे हैं और हम उल्टी धारा में बह रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा शौक वाली बात। हाँ, सब हमारा शांति पाठ यूएस के तो इसमें हो रहा है, और हमारे यहाँ शांति पाठ करते तो हम। आज कितने लोग हैं जो हिंदी सीखने केंद्रीय हिंदी संस्थान में आते हैं, विदेश से आते हैं संगीत सीखने। बड़ा अच्छा आपने देखा ना, हिंदी संस्थान का जो शीर्षक गीत है, भारत जननी एक हृदय हो जी, 1991 में उसका मैंने धुन बनाई थी। और मुझे बड़ा गर्व है कहते हुए उस धुन को पास किया था पंडित रविशंकर जी ने। हिंदुस्तान भर से 10-15 धुन बन के आई थी, और उसको स्वर दिया था मेरी पत्नी ने, प्रियना जी ने। तो वो सबसे बड़ी बात है, वो विश्व के 40 कंट्री में बजाई जाती है प्रेयर आज भी। और 1991 में मुझे प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल जी थे, मुझे ऑनर भी दिया गया था। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का हिंदी गीत मेरे द्वारा स्वरबद्ध हुआ सबसे पहले। और हिंदी संस्थान यही चलता था आपके पास में जी, जो दयाल लॉज है ना, दयाल लॉज में हिंदी संस्थान का अब तो बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत ही बड़ा बन गया। आगरा में सबसे बड़ी बात, एक मैं जो कमी समझता हूँ साहब, एक तो कोई छोटा ऑडिटोरियम नहीं है। सरकारी स्तर से कोई छोटी छोटी जगह पर आप जाओगे तो नगर पालिका के हॉल मिल जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई हॉल नहीं है। अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो तो आपको सूरसन लेना है, छोटे प्रोग्राम करने आएंगे तो कहाँ से आप कर सकें। अच्छा, जो लेके कुछ छोटे हॉल हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं है। तो ये बहुत सारी नगर की बड़ी समस्याएँ हैं। अगर ऐसी समस्याओं को दूर किया जाए तो हम समझते हैं कि दोबारा से सांस्कृतिक चिंतन शुरू होगा, और यहाँ के लोगों को उसमें रुचि लेनी चाहिए। बिल्कुल, विसंगतियाँ बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हिम्मत न हारना, यही हमारा कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है। और इस पर लगातार आप बने हुए हैं, संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। हमने ये सोचा कि सब कुछ नहीं तो इसी बहाने चलो अपना काम करते जाओ, कहीं ना कहीं तो लोग सोचेंगे, कभी सोचेंगे। बिल्कुल, और नहीं सोचेंगे तो अपने को तो संतुष्टि है कि हमने ये काम ईमानदारी से किया। हम यही बात हर एक से कहते हैं कि भाई अपने कल्चर को जिंदा रखो। हम मर के चले जाएंगे लेकिन कल्चर नहीं बनेगी, रूप परिवर्तित हो सकता है लेकिन उसका जो आधार है वो हमेशा बिल्कुल बेस कभी नहीं बदलता है। तो बिल्कुल जो हमारा बेस है वो कभी बदलेगा नहीं, और आने वाले समय में अगर इसी तरह आपकी तरह भी लोग आगे बढ़ करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम भारतीय संगीत को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, बिल्कुल गलत दिशा में ना भटकें, और जो भारतीय संगीत है उसको आत्मसात करें एक योग्य शिक्षक से अपनी। मैं नए बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भारतीय संगीत जो है विश्व का इतना बड़ा संगीत है कि विश्व में हमारे संगीत को सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, जबकि उनको उनके संगीत को सुनने के लिए वहीं इकट्ठा होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे संगीत के अंदर आत्मा है, आत्मा का निवास है जो सीधे भगवान से संपर्क करता है, कनेक्ट होता है। और उसके बाद इसके सीखने से आपको एक विशेष संस्कृति मिलती है, एक विशिष्ट ज्ञान मिलता है पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का, कैसे ध्वनि की उत्पत्ति हुई, ध्वनि को हम कैसे प्रयोग करते हैं, ये सारी अगर संगीत सीखता है, हो सकता है मैंने कहा कि सर्विस करेगा, लेकिन संगीत सीखने के बाद जो उसको मानसिक शांति मिलेगी ना, वो सबसे बड़ी धरोहर है। दूसरी बात, वो अगर कहीं सर्विस नहीं मिलती है और संगीत में पारंगत हो रहा है तो खुद भी घर पे अपना शुरू करके कम से कम अपना खर्चा तो निकाल ही सकता है। विशेष रूप से अगर लड़कियां इस काम को करती हैं और पारंगत होती हैं तो वो अपना घर का खर्चा, हमारा इकोनॉमिकली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक भाई साहब तबला आपने लिया या हारमोनियम लिया तो 5-6 पीढ़ी तक के लिए हो गया भाई साहब, कितना सस्ता सब्जेक्ट है। इससे सब आप आज 5-6 हज़ार का हारमोनियम खरीदा, 8 हज़ार का वो चल रहा है, उसकी रिपेयरिंग ही तो करानी है। यहाँ तो हर वर्ष पुस्तकें बदल गई, पूरा परिवर्तन हो गया, लेकिन एक हारमोनियम जो है आपको 3 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। आज का जो समाज है सबसे ज्यादा डिप्रेशन और टेंशन का शिकार है, अगर उसको संगीत में रुचि है तो निश्चित रूप से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। मेरे यहाँ तो बच्चे जो आते हैं उनको मैं साहब 5-10 मिनट पहले ओमकार कराता हूँ केवल, कि भैया सीधे बैठ जाओ, ओमकार करो, प्राणायाम करो ओमकार का, बच्चे रिलैक्स होते जा रहे हैं, उनके चेहरे बदलते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे चेहरे पर एक जो आत्मीयता आती है उसी से है, हमारे वाइब्रेशन जो जा रहे हैं, केमिकल्स जो शरीर के परिवर्तित हो रहे हैं उसी से, ध्वनि से तो परिवर्तित हो रहे हैं। तो आज जो सारी जो क्रियाएं चल रही हैं उस क्रियाओं के ऊपर टेंशन इतना हावी हो गया है, प्रेशराइज हो गए हम लोग। पढ़ाई में बच्चों को, शुरू में बच्चा जाता है साहब 95%, 98% नंबर डाला, गार्जियन बड़ा खुश हो गया, जैसे जैसे क्लास बढ़ती है उसके परसेंटेज डाउन हो जाने लगते हैं। अब उसके ऊपर प्रेशर है बच्चे के ऊपर, एक तो बस्ते का बोझ बढ़ा हुआ है और प्रेशर और पढ़ाई का। बच्चा बेचारा 6-7 साल का नहीं हुआ उसे चश्मे लग गए, है ना, उसका स्वाभाविक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात। जबकि बाहर स्वाभाविक डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो हमारा कहना यह है कि अगर किसी बच्चे में प्रतिभा उसे निकलने दो, किसी कोई खेलने में निकलने दो, कोई जरूरी कि उसे BSc MSc करना है। सही बात है, जिसकी रुचि है उसको जाने दीजिए। हमारे एक तो क्या अब इंटर हो गया तो BA कर लो भैया, और उसको MA कर लो, MA कर लो, PhD कर लो, क्या जरूरत है? रुचि है नहीं, वो 10 थीसिस लेके वो 11वीं थीसिस लिख रहा है। सही बात है। संगीत आचार्य बन जाओ, संगीत विशारद कर लो, कुछ भी कर लो, तमाम ऑप्शन है, तमाम ऑप्शन है भाई। तो इसके अंदर ऐसी बात नहीं, बहुत क्षेत्र है। आकाशवाणी का क्षेत्र है, आप संगीत सीखिए, वहाँ कार्यक्रम होते हैं। दूरदर्शन का क्षेत्र है, लेखन का क्षेत्र है, हमने साहब। उसके अलावा आप जब धीरे धीरे आप पैर बढ़ाएं, देखिए हर जगह कशमकश तो हर जगह है, लेकिन आपको अपनी सिद्धता करनी है कि आप उसके काबिल हैं। बिल्कुल, आप काबिल बनेंगे, 4 जगह जाएंगे, अपना आपका नाम होगा, और आकाशवाणी, दूरदर्शन, ऐसे आप जैसे चैनल्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे तो उनका एक प्रतिष्ठित बन जाएगा। बिल्कुल, जब तक आप मन से काम नहीं करेंगे, शिद्दत से काम नहीं करेंगे और सही नैतिकता के रूप में काम नहीं करेंगे तो अपनी विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगर संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो जैसा आपने कहा, भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसमें तमाम विधाएं हैं जो हमें विरासत में मिली है। विरासत में मिली हुई चीज हमेशा इंसान को इंसान बनाती है। तो आपका ये सफर लगातार जारी है, संगीत पर हमारी चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। और लोगों से हम भी कहेंगे कि आप भारतीय संगीत को, जो शास्त्रीय संगीत है, उसको आत्मसात करें, और आप ऐसे ही तमाम शिष्य तैयार करते रहेंगे। और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौके पर मैं आपको एक अपने यहाँ की पत्रिका भी भेंट करना चाहता हूँ जी, ये हमारे यहाँ के जो 53 वर्ष का निनाद का सफर है, बिल्कुल इसको आप वाचन करिए और कुछ और अच्छा लगे तो हमें बताइए। बिल्कुल, ये आपका सफर जारी रहेगा और हम भी इसके गवाह बनेंगे और आपके साथ मिलकर चलेंगे। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद थे पंडित केशव रघुनाथ तलिगांवकर जी, संगीत कला केंद्र से, जो एक लंबे समय से लगातार संगीत सम्मेलन कराते हुए शिष्य तैयार कर रहे हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को आगे बढ़ा रहे हैं। और ज़रूरत भी है, वर्तमान की वक्त की ज़रूरत है कि हमें शास्त्रीय संगीत के प्रति जिम्मेदार होना होगा और लोगों को, समाज के उन भामाशाहों को आगे निकल के आना होगा। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने होंगे ताकि संगीत की दुनिया में भी लोग नाम करें। और स्कूलों में टीचर्स की बहुत ज़रूरत है, उनको भी ये जगह मिलनी चाहिए। ये हम अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि लोग इस दिशा में काम करें और इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डेन न्यूज़। नमस्कार।